अमर बावरी ये दो नंबरी लोग हैं, ये फर्जीवाड़ा का हेडमास्टर है ये व्यक्ति। जब ये मंत्री था, झारखंड की जमीन को बेच दिया, दलितों का जमीन बेच दिया, दलित हमारा किस हाल में था कभी सुधी नहीं ली इस व्यक्ति ने। हमारा दलित समाज घर मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, राशन मिला कि नहीं मिला, कभी नहीं पूछा। आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है, तो बहुत बड़ा इनको दलित प्रेम याद आ रहा है। इतने बड़े हितैषी हैं आप, तो जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हाल है हमारे दलित समाज का, किस हाल में वो परिवार रह रहा है। हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है, भाजपा की सरकार में खुलेआम बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दलित समाज को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहां वही हाल गुजरात में भी है, हमारी बच्चियां वहां सेफ नहीं है, दलित समाज वहां सेफ नहीं है। और नकली हितैषी बनकर तुम झारखंड में दिखा रहे हो अमर बावरी, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहना चाहता हूं, जामतला आया था ये व्यक्ति, ये बूथ एजेंट, भाजपा का बूथ एजेंट, उसके परिवार को वहां बिठा दिया और कहा कि दलित परिवार को उजाड़ा है। शर्म आता है ऐसे नेताओं पर मुझे, इतनी नीच हरकत कर सकता है ये व्यक्ति। पैसा देकर बिठवा दिया, माहौल खराब कर दिया, अब पैसा देकर न्यूज छपवा दिया पूरे राज्य में कि दलित का अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकती हमारी सरकार में। इरफान अंसारी है वहां राज्य में, इरफान अंसारी है दलितों का हितैषी, इरफान अंसारी है। मैं किसी कीमत पर दलित समाज पर जुर्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना चेहरा देखो, ये अमर बावरी जो है देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता अमर बावरी, याद रखना।